सो गाइस फाइनली अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10:30 और निकल चुके हैं बनारस अपने कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए। और हालांकि अभी कुछ दिन पहले गए भी थे बनारस, होप करता हूँ आप लोगों ने वाले भी ब्लॉग देखे होंगे। तो फाइनली आज निकल रहे हैं फिर से बनारस, संडे का दिन है भाई। मतलब मॉर्निंग से उठा हुआ हूँ, घर का भी काम, एक्चुअली में घर में काम वाम भी चल रहा है मिस्त्री लेबर का, तो उनका भी सारा मैनेजमेंट करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद 9 बजे निकलने का स्केड्यूल था, 10:30 बज गए। और बात करते करते सप्लाई डिपोट से हाईकोर्ट वाले ब्रिज पर आ गए। तो अभी डीजल भरवा चुके हैं गाइस, 17.09 लीटर आया है डीजल 1210 रुपए में, और पहले से भी था कुछ 10-10 लीटर। तो अपना काम हो जाएगा भाई बनारस वाला, अगर कम पड़ेगा तो शायद थोड़ा बहुत लेना पड़ सकता है। ब्रिज पर गाइस कुछ है सीन है, एक भाई ने भी हमें ये बताया था कल इंस्टाग्राम पे कि शायद आज पुल बंद रहेगा, पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन एक ही पुल पर दोनों वे कर दिया गया है। ये जाने का वे था, वो आने का उधर वाला, तो अभी इसी पे दोनों हो रहा है। किस कारण से वो खाली है, थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं आप देख लो, तो थोड़ा ट्रैफिक था, तो मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद साला कुछ लोचा ना हो जाए, कि टाइम का फिर से कुछ हो जाए, कि चलो फिलहाल के लिए पुल क्रॉस करना है केवल, और फिर उसके बाद वे टू वाराणसी। अभी रोके हैं, केला ब्रेक ले रहे हैं, पता नहीं भाई केला वेला खाए अभी, अब निकल रहे हैं, गाड़ी थोड़ा लगाए थे। तो गाइस अभी आ चुके हैं गाड़ी के अंदर में, नॉर्मल ऐसे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ खा के निकले नहीं थे, तो अभी ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह थोड़ा बहुत खा लिया। और भाई घर में लिमसी छूट गई थी तो लिमसी भी ले लिया पीछे के मेडिकल स्टोर से, अब इसको भी खा लेता हूँ। तो अभी हालांकि अब यहाँ अभी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं आए अभी, कि काफ़ी आ गए बस, यहाँ से फ़िलहाल के लिए बनारस 100 के अंदर है, ट्रिपल डिजिट में नहीं है, अब डबल डिजिट में है यहाँ से डिस्टेंस बनारस की। तो अब बढ़ रहे हैं बनारस के लिए। ओके अभी तक तो यार कहीं रुके नहीं है, नॉन स्टॉप चले आ रहे हैं, बस थोड़ा 2-4-10 मिनट के लिए ब्रेक लिया हुआ था और उसके बाद सीधा चले आ रहे हैं, कहीं कोई वो नहीं है स्टॉपेज। और क्योंकि भाई 12:30 का टाइम हो रहा है, बनारस पहुंचना है, फिर उसके बाद वापसी में आते हुए बिंदास ब्लॉक करेंगे, खाई पियेंगे, इंजॉय करेंगे। तो अभी चल रहे हैं बनारस सीधा यार, क्योंकि बीच में कहीं रोकने का विचार है नहीं। कितना देना है अप डाउन दोनों दोनों कितना? हाँ भाई डालेंगे वीडियो। हाँ बताइए, स्क्रैच के लिए स्टोन लगाओ, लड़का दिखा देगा, जाइए। तो मतलब स्क्रैच में साफ क्या होता है? आइए हम आपका प्रमोशन कर देंगे, आइए। आप वहाँ फास्टैग भी है, वो सकता है। कहाँ पे फास्टैग बनवाना था? नया ICIC का लग जाएगा आपका।
ICICI का हाँ। तो कितना देना है हमको? 400 रुपए। गूगल पे कर देंगे हो जाएगा? हाँ? गूगल पे कर देंगे हो जाएगा? कैश नहीं लिए हैं? नहीं यार कैश तो नहीं। राहुल भैया एक गाड़ी है 400 रुपए, गूगल पे कर देंगे ले लेंगे आप? बनवा दो। आधार कार्ड पैन कार्ड आरसी दीजिए। गाड़ी पिताजी के नाम से? हाँ हाँ ठीक है चलेगा। आरसी कहाँ गई? ये लो भाई आरसी है इसमें। आपके कपड़े कलर छोड़ दिया? नहीं नहीं अभी देखा। लेकिन हल्का कलर आपके कपड़े का आ गया है। वो तो कपड़े का है इसी, और देखो वॉशिंग करते ना गाड़ी पे, ये कोटिंग करवा दो जो खड़ी गाड़ी पच्चीस अभी ना कुछ स्क्रेच बना। सो गाइस अपने को 15 मिनट हो चुके हैं भाई और अभी तक फास्टैग नहीं मिला, इसलिए बनवा लेते हैं क्योंकि कैश लेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, टाइम लगता है और कैश लेन देन भी करना पड़ता है, तो इसलिए फास्टैग बनवा ले रहे हैं। पेटीएम से ऑर्डर करना था लेकिन यार काफ़ी ज़्यादा लेट में उनका आ रहा था, 7-8 दिन में, तो इसलिए जो है मैं कहा कि फर्स्ट टोल पे ही फास्टैग इशू करवा लूँगा। तो अगर आप फास्टैग NH2 पर बनवाते हो किसी भी टोल पर, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में गाड़ी की RC, आपको अपना आधार कार्ड, आपको अपना पैन कार्ड और फास्टैग की फ़ीस, और उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता है और कुछ इनके कमीशन्स होते हैं वो पे करना होता है, और हर जगह ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो अभी फास्टैग बन रहा है, बनवा लेते हैं फिर आगे चलते हैं। भाई आज तक कुछ गलती नहीं की है? कहाँ गलती की, कोई गलती की है क्या? कुछ गलती थोड़ी कर रहे हैं, पूज्य हैं बेचारे, देवी जी हैं, गलत काम आज तक आप किए ही नहीं, आप काय कहेंगे, काय कहेंगे बताइए। चलिए कोई बात नहीं, गाना बजाइए कोई बढ़िया, हमको तलब लगी है। अभी बनारस यहाँ से है 40 किलोमीटर, और उसी से पहले थोड़ा सा रुके हुए थे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा सन्नाटा टाइप का था और आसपास थोड़े खेत वेत थे, ठीक है। बाकी गाड़ी में फास्टैग भी लगवा लिए हैं और थोड़ा सा यार भूख भी लगी है। पनीर राइस अपना बना करके मैं मील में लेके आया हूँ, मील को अपनी प्रेप कर लिया था आने से पहले कि अपनी बीच की एक मील ले लूँगा, फिर अंडे वंडे देख लूँगा कहीं मिल जाएंगे बॉयल खा लूँगा, फिर उसके बाद शाम तक जो है रात बात होने लगेगी 8-8 बजेंगे, तो दाल रोटी वगैरह खा लूँगा, फिर बाकी देखता हूँ आगे का क्या स्केड्यूल है। बहुत बुरा थक गए हैं, अब क्या बताएं अभी। चलो फिलहाल के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना काम यहाँ हो गया है पूरा वाराणसी के अंदर में। एक्चुअली मैं अपना नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग करने के लिए
काम चालू है, अभी अपना लेते हैं भोजन और फिर देखते हैं कहीं कुछ नॉन वेज अच्छा मिलता है तो उसको खाते पीते हैं। टाइम हो गया है 3:30 दोपहर के, 1-1.5 घंटे में निकल जाएंगे यहाँ से और फिर 7-8-9 के करीब घर पहुँच जाएंगे। तो अभी चल रहे हैं भाई, अभी रास्ते के भी कई सारे शॉट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे हाईवेज के, निकलते हैं भाई। देखो भाई साहब, ये ट्रक वाले महाशय फ्लैक्स कर रहे हैं मेज एन एच टू के बीच में। देखो बैग जा रहा है भाई, पूरा फुल ट्रेलर है, पूरा लंबा ट्रेलर है। सो गाइस, यहाँ से अब निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए। प्रयागराज यहाँ से है 80-80 किलोमीटर। टाइम हो रहा है शाम के 4:30। अभी बस 1-1.5 घंटे में खाना वाना खा लेंगे और अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, क्योंकि काम जल्दी हो गया। तो अब आराम से निकलेंगे क्योंकि दिन अपना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन NH2 पे हैं, अपना एक अलग ही हाईवे करके फीलिंग आता है भाई। ऑलरेडी कई बार बोल चुका हूँ, NH2 नाम ही काफ़ी है। सनसेट हो रहा है, ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज है इसलिए आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। यार बनारस के अंदर जहाँ गए थे वहाँ का तो आप लोगों को कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करा है, कुछ भी दिखाया नहीं। वो कहते हैं ना कि जो मज़ा होता है ना वो सफ़र का होता है, मंजिल का नहीं, है ना। मंजिल का भी होता है। अपडेट आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि अगर आप प्रयागराज से बनारस या बनारस से प्रयागराज जा रहे हो तो आपको इस रूट पे सिर्फ एक टोल प्लाजा मिलेगा जिसका टोल सिर्फ 185 रुपये का सिंगल साइड कटता है, ठीक है। तो हालांकि जाते टाइम तो कैश लिया था और आगे ही निकल के फास्टैग लगवा लिया था, तो फास्टैग लगा हुआ है ये, और अब देखते हैं फास्टैग स्कैन करा करके कि क्या है क्या नहीं है। फास्टैग ही दिखा रहे हैं भाई कि फास्टैग लगवा लो, है ना। तो यहाँ पे भाई काफ़ी चने और भी बहुत कुछ दिख रहा है मुझे, खिलौने वलौने भी, खादान गाड़ी के और घर के, वैसे भी कुछ ब्रेकफास्ट लाइट्स स्नैक आइटम बेच रहे हैं। नहीं नहीं भैया शुक्रिया, नहीं चाहिए भैया, नहीं नहीं शुक्रिया। और ये सब सिस्टम है तो यहाँ पे अब मैं क्या बोल दूँ भैया, फास्टैग अभी।
ये पल्ला ढाबा है। पल्ला ढाबा में अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया और यार खाना खाने के बाद आती है अब तगड़ी वाली नींद। एंड राइट नाउ इट्स, तो अब करते हैं गाड़ी स्टार्ट और निकलते हैं भाई साहब यहाँ से। अब SJ कैम को करते हैं चालू, अपने कर दिए। अब मिलते हैं सीधा SJ कैम में। 3, 2, 1। अब करते हैं गाड़ी को रिवर्स और वापस से जुड़ते हैं NH2 में। शास्त्री सेतु पर, शास्त्री ब्रिज पर आ चुके हैं अपने प्रयागराज के अंदर में। तो होप करता हूँ गाइस आप लोग को ये वाला भी ब्लॉग ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसको ग्रे कर दीजिएगा। और कोई भी कीमती फीडबैक और सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिस पे गौर किया जाएगा। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। राइट हियर राइट नाउ साइनिंग ऑफ, निखिल वर्मा, बाय बाय। We'll be right back.